न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। कासगंज जिलाधिकारी सुधा वर्मा, पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक द्वारा जनपद कासगंज में उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा के डिस्ट्रिक्ट परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया, ड्यूटियों को चेक किया गया था। वहीं उनके द्वारा यातायात व्यवस्था को भी देखा गया। स्कूलों में लगे सीसीटीवी कैमरों जैमरों का निरीक्षण कर ड्यूटी पर कार्य समस्त कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए थे। सोनभद्र में 1.5 लाख के गहनों की लूट तो कहीं घर में घुसकर मारपीट जैसी तीन घटनाओं के साथ सुकृति चौकी क्षेत्र का ये शुक्रवार कहीं न कहीं काला शुक्रवार कहा गया। घटना के बाबत पीड़ित लगातार इंसाफ की गुहार लगाते रहे। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली के सुकृति पुलिस चौकी क्षेत्र में शुक्रवार का दिन घटनाओं से भरा रहा। कहीं लूट तो कहीं मारपीट तो कहीं उचक्का गिरी की घटना ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी। इसके बाबत आपने पुलिस को सूचना? हाँ, उसके बाद हम 112 नंबर पर फोन किए थे। पुलिस यहाँ पर आई, अपना कुछ हम लोगों से पूछा पछा, उसके बाद बोला कि नहीं थाने पर इसको जा करके अपना FIR दर्ज करा दीजिए। गए थे चौकी पर? हाँ, चौकी पर हम गए थे। अब हम लोग बुजुर्ग थे, हम लोग सोचे कभी गए नहीं है, तो हमारे दामाद आए और उन्हीं के साथ हम लोग वहाँ पुलिस चौकी पर गए थे। क्या बात थी चौकी पर? चौकी पर वही वो बोले कि पहले तो हमारे दामाद अब दरोगा जी थे नहीं, उन्हीं के कुर्सी पर बैठ गए थे। एक सिपाही थे, बोले आप लोग बैठ जाइए, तो उन्हीं के कुर्सी पर बैठे थे। तो दरोगा जी आए तो बोले आप कौन हैं? तो बोले हम तो यहीं पर रहा हूँ। झांसी के थाना मौरानीपुर क्षेत्र के ग्राम भानपुरा में झोलाछाप डॉक्टर से इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक बालादीन कुशवाहा ग्राम भानपुर को मृत अवस्था में CSC मौरानीपुर लाया गया। मृतक के परिजनों ने ग्राम भानपुरा में चंदासी अस्पताल में इलाज कराने ले गए थे। आरोप लगाया है कि चंदासी अस्पताल के चिकित्सक द्वारा इंजेक्शन लगाने पर हालत बिगड़ गई और मौत हो गई। CSC मौरानीपुर लाने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। क्या घटना हो गई? घटना हो गई, चार का इलाज कराने के लिए गया था। कहाँ? भानपुरा। भानपुरा की निवासी हो? हाँ, भानपुरा की निवासी। तो क्या हो गया? उसमें चार की पट्टी करवाई एड़ी की और इंजेक्शन लगाया डॉक्टर ने। सो इंजेक्शन लगाए, 2 मिनट के बाद मान लो उल्टी आई, उल्टी बात की आँख में चले। भानपुरा में कौन से अस्पताल में कराया आपने? नीरज नाम का है, एक जया का डॉक्टर रहता है, झोलाछाप। बिजनौर में पुलिस परीक्षा केंद्र से सॉल्वर गिरफ्तार किया गया है। एक सॉल्वर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जिसका नाम अभिनव कुमार बताया जा रहा है। पुलिस ने बिहार का रहने वाले अभिनव को पकड़ा है और स्कूल परीक्षा केंद्र से गिरफ्तार की गई है। मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। गोरखपुर में रेलवे में नौकरी करता है सॉल्वर। शिवकला के आशीष कुमार की जगह सॉल्वर परीक्षा दे रहा था। थाना कोतवाली शहर के नूरपुर रोड स्कूल का पूरा मामला। बिजनौर में CO अर्चना सिंह, कोतवाल राजकुमार सरोज, क्राइम इंस्पेक्टर राजेश चौहान, अफसलगढ़ कस्बा इंचार्ज सुमित राठी ने मृतक किसान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भेजने की तैयारी शुरू की। पुलिस ने परिजनों से घटना की जानकारी मालूम कर जांच कर मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। अफसलगढ़ कोतवाली क्षेत्र के खालसा फार्म स्थित गांव खुशहालपुर का एक पूरा मामला। पूर्वी जनपद बिजनौर अवगत कराना है कि आज दिनांक 17/2/2024 को थाना अफजलगढ़ के ग्राम खुशहालपुर गावड़ी निवासी दलजीत सिंह रंधावा उम्र 55 वर्ष, पुत्र सिंह जसवंत सिंह द्वारा अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से सिर में गोली मारकर आत्महत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा के उपरांत पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया है। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। आगे विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बादल फटने से हुई शहीद नितिन की दुखद मौत, 4.5 महीने बाद नितिन का शव मिला। शहीद नितिन को सलामी दी गई। आपको बता दें कि शहीद नितिन बिजनौर थाना मंडावर के गांव भानीपुर का रहने वाला था। पीलीभीत में दो समुदायों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले। लाइव मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट के दौरान करीब 30 दर्जन लोग घायल हुए। सूचना पर पुलिस पहुंची है। युवतियों से दबंगों द्वारा छेड़छाड़ के आरोप में मारपीट हुई। सदर कोतवाली क्षेत्र के बेनी चौधरी मोहल्ले की पूरी घटना है। कानपुर में सुबह एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर साइकिलिंग कर रहे वृद्ध को रौंदकर आगे बढ़ गई। कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र के गंगा बैराज मंधना हाईवे पर टक्कर मार दी। वहीं हादसे के बाद भारी भीड़ जुट गई। आनंद फानंद में पुलिस ने एक अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने कार चला रहे 2 नाबालिग को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि सिविल लाइन ग्रीन पार्क स्टेडियम के पीछे गुजरात अपार्टमेंट के रहने वाले 62 वर्षीय वृद्ध निकेश तलाटी दवा कारोबारी थे। वो रोज की तरह शनिवार सुबह गंगा बैराज में साइकिलिंग करने के लिए गंगा बैराज पहुंचे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने साइकिल में टक्कर मार दी और कार में जो है आपस में भिड़ने से एक व्यक्ति
घायल हुए थे जिनको उपचार हेतु अस्पताल में भेजा गया था। जानकारी में आया कि उनकी डेथ हो गई है। कार सवार लोगों को जो है हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और शेष विधिक प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। इसमें जो है टीम बना करके और जो भी लापरवाही पूर्ण वाहन चलाते हैं। बिजनौर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। पुलिस भर्ती की परीक्षा देने निकले दो सगे भाइयों की सड़क हादसे में मौत हो गई। वर्दी का सपना अधूरा रह गया। बिजनौर में पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा देने घर से निकले दो सगे भाइयों का वर्दी का सपना अधूरा रह गया। परीक्षा केंद्र पहुंचने से पहले एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दोनों सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। बिजनौर के नूरपुर में पुलिस भर्ती की परीक्षा देने निकले थे दोनों सगे भाई, चपेट में आकर दोनों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बस ये बच्चे दोनों धामपुर से आ रहा था, इसे लेके छोटा भाई बड़े भाई को, उसकी बहन का पेपर भी था, घर आते आ रहे थे। रास्ते में नूरपुर थाने का गांव पड़ता है ढेलाहिर में इनका एक्सीडेंट हो गया। दोनों भाई खत्म। कहाँ जा रहे थे? घर आ रहे थे, घर के लिए, बहन को लेने के लिए। बहन का पेपर था, तीनों बहन भाइयों का पेपर था। किस चीज़ का पेपर? पुलिस का। तीनों बहन भाई का पुलिस का पेपर था। कहाँ पर गया था इनका सेंटर? लड़की का तो यहाँ था बिजनौर, और उनका हुआ था नगीना, दोनों भाइयों का। सुरक्षा की दृष्टि से सभी सुरक्षा मानकों का निरीक्षण किया गया। पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। शाहजहांपुर आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा 2023-17 और 18 फरवरी 2024 को जनपद के 11 केंद्रों पर की जा रही है। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने संयुक्त रूप से 17 तारीख को यहां पर प्रथम पाली में पहुंचकर सुरक्षा की दृष्टि का सभी सुरक्षा मानकों का निरीक्षण किया। वहीं पीलीभीत में दो समुदायों के बीच युवती से छेड़खानी को लेकर जमकर ईंट पत्थर चलाकर मारपीट हो गई। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित हिंदू पक्ष ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। वह दूसरा पक्ष मौके से फरार है। फिलहाल घटना की जानकारी मिलते ही भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात कर दिया गया है। खबर गोंडा से, जहां दिल्ली के अलीपुर की पेंट और केमिकल फैक्ट्री में लगी आग में जहां कई लोगों की मौत हो गई, तो वहीं गोंडा जिले के दो परिवारों में मातम पसरा हुआ है। जिले के दो युवक ब्रिज किशोर और शुभम की भी जिंदा जलकर मौत हो गई। इस हादसे में जहां दो परिवारों का चिराग बुझा, वहीं परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। गोंडा जिले के दुल्लापुर टहर गांव के देवरा मजरे के देवता प्रसाद के तीन बेटों में से मझले बेटे ब्रिज किशोर की जलकर मौत हो गई। इस परिवार में कमाने वाला यही था, इसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। मैंने बोला रुजा भाई, ये माना नहीं। मैं कहा शादी है घर पे, मुझे ड्यूटी जाना, पैसे भी अपनी सेठ के लिए बोल रखा था, मेरे से बता रहा था। फिर सुबह खाना खा के ड्यूटी गया, फिर उसके बाद 3:05 ये घटना हुई है। जब ये घटना हुई तो हम लोग दौड़े इसे ढूंढने के लिए, तो मैं सोचा कहीं गेट वोट फाँक के निकला हो, पर ये निकला नहीं वहां से। हम लोग काफी देर तक, बाकी पुलिस से भी रिपोर्ट किए थे, लेकिन अंदर जाने नहीं दे रहे थे। उसके बाद हम लोग काफी देर, 3 बजे तक का। दुनिया के सबसे बड़े पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित कराने के लिए अपनी एक अलग पहचान बना। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड द्वारा प्रदेश भर में दो पालियों परीक्षा आयोजित की जा रही है। सिपाही भर्ती के लिए चल रही परीक्षा में तकरीबन 50 लाख अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा दी जा रही है। शनिवार रविवार को आयोजित होने वाली इस परीक्षा में लाखों अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड जारी किया गया है। बलरामपुर जिले के 3 तहसीलों में भी कई परीक्षा केंद्र बनाए गए। बलरामपुर में दो पाली में आयोजित होने वाली सिपाही भर्ती की परीक्षा को लेकर युवाओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। युवक युवतियां पढ़ाई करते हुए नजर आए। सैकड़ों की संख्या में ट्रेन और बसों से यात्रा करके पहुंचे परीक्षार्थी जिले के आधे दर्जन से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देते हुए नजर आए हैं। वही बलरामपुर के विकासखंड तुलसीपुर में गौवंशों का बुरा हाल है। ग्राम पंचायत रिक्त सभा में बने गौशाला के पास आधा दर्जन मृत गौवंश दिखे। बताया जा रहा है कि यहाँ पर गौवंशों को चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती है। गौवंशों को अन्य सुविधा देने के मामले में ग्राम पंचायत के अधिकारी और प्रधान तसड्डी हैं। ग्रामीणों ने वीडियो वायरल कर तुलसीपुर के इस पूरे मामले को वायरल कर दिया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वाले इंडिया के साथ।